अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कवामी सेवैयाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पर रख लिया है। उसमें तकरीबन 2 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे। चूल्हा हमारा जो है वो लो फ्लेम पर है। इसके साथ ही तकरीबन 1 कप के करीब हम शुगर का शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को हमने सिर्फ डिज़ोल्व करना है। और तकरीबन 4-5 इलायचियाँ जिनके मुँह खोल लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। और 1 पिंच के करीब जर्दे का रंग भी शामिल कर दिया है। कलर के लिए आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो चुकी, इसे हम साइड पर रख लेते हैं। अब दूसरा पैन हम लेते हैं, इसे चूल्हे पर हमने रख दिया है। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम घी का शामिल करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। घी को हमने गर्म होने देना है। चूल्हा अभी तक हमारा लो फ्लेम पर ही है। अच्छे तरीके से ऑयल को घी को गर्म होने देना है। इसके साथ ही हमने कोई ड्राई फ्रूट काट कर रखे थे, पिस्ता बादाम, वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम इन्हें जो है वो फ्राई करेंगे इस घी के अंदर। जलने नहीं देना, इसलिए हमने जो है अपनी फ्लेम जो है वो लो रखी हुई है। अच्छे तरीके से इन्हें जो है हमने फ्राई करना है। ये हमारे आप देख पा रहे हैं कि हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब तकरीबन 1/2 kg के करीब सेवैयाँ हैं जिन्हें हमने तोड़ लिया था, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ घी के साथ हमने इनको भूनना है यहाँ तक कि इनमें एक स्मेल आने लगे, खुशबू आने लगे और सेवैयों का कलर चेंज हो जाए। अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है जब तक कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं सेवैयाँ भूनते हुए। देखिए आप, कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी आने लगी। अब जो हमने शीरा बना के रखा था चीनी का, वो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और साथ चम्मच भी चलाते जाएं। चूल्हा याद रखिएगा लो फ्लेम पर ही है, इसको हाई नहीं करना। अब हमने पानी को ड्राई करना है। इसके साथ सेवैयों को इस तरह रखना है, सेवैयाँ बिल्कुल खिली खिली बने, ज़्यादा गले ना। अच्छे तरीके से हमने इसको सेवैयों को जो है शीरे के अंदर मिक्स कर लिया है। पानी तकरीबन हमारा जो है वो ड्राई होने के करीब है। अब हम इसको अपनी सेवैयों को हम लिड लगाकर 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। यह हमने दम लगा दिए है सेवैयों को। अब हम लिड उठा कर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। और तकरीबन 1 कप के करीब खोया है, आप चाहें तो कलाकंद भी शामिल कर सकते हैं, ये मैंने इसमें मिक्स कर दी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।